बच्चों को शिकायत बंद करना सिखाओ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। आज ये पेरेंटिंग के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिकायत हम करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। देखिए, हमारी जिंदगी में हम यदि आप देखते रहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप शिकायत 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 कंप्लेंट्स 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 करते रहते हैं और हर बार कंप्लेंट ही करते रहते हैं। आदमी कंप्लेंट कब करता है, शिकायत क्यों करता है? शिकायत तब करता है जब उसको खुद को कुछ करना नहीं है। यदि कुछ खुद को कुछ करने का है तो वो कुछ करेगा, जब करना नहीं है तो फिर बैठे बैठे कमेंट पास करेगा, शिकायत करेगा, अरे ऐसा होना चाहिए था, अरे वैसा होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो जो लोग पेविलियन में बैठते हैं वो शिकायत करते हैं, जो लोग कोर्ट में रहते ऑन द कोर्ट वो शिकायत नहीं करते, वो कृति करते रहते। पेविलियन में बैठ के या स्टेडियम में बैठ के बहुत आसान है कि विराट कोहली ने यार फालतू बैट डाल दिया बीच में, विराट कोहली ने ऐसा शॉट देना चाहिए था, या फिर अरे अभी तो स्पिनर को देना चाहिए बॉलिंग, अभी तो काय को फास्ट बॉलर लाया, मतलब ऐसा बोलना बहुत आसान है, ये तो ऐसे बराबर खेलते नहीं है। कोर्ट पे जाना, ऑन द कोर्ट मैदान में जाना और खेलना बात अलग होती है। तो जो लोग मैदान में जाना नहीं चाहते, जो लोगों को जिम्मेदारी लेना नहीं है, वो लोग शिकायत करते रहते हैं। और जो भी फिर आप शिकायत देखो ना आपकी जिंदगी में, आप किसके किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायतें आपको आपके पत्नी की है, आपके बच्चों की है, आपके बिजनेस की है, बिजनेस के लोग जो है, जो स्टाफ काम करते हैं उनके बारे में है, क्या शिकायत है? और फिर शिकायत है और आपको तकलीफ हो रही है तो आप सहन क्यों कर रहे हो? आप सहन कर रहे हैं इसका मतलब और एक ऐसा होता है कि शिकायत है, तकलीफ है और आप सहन कर रहे हैं क्योंकि वो सहन करने योग्य है, और सहन करना नहीं है तो और कुछ करना और ज्यादा तकलीफ देह है, तो वो डिस्कम्फर्ट करेगा यदि वो मैंने छोड़ दिया तो। उसकी भी हैबिट हो गई वो शिकायत करने की, और इसलिए मैं नया कुछ करता नहीं हूं, कि नया कुछ करना है तो उसके लिए ताकत लगेगी, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा बेटर है कि मैं शिकायत करूं। क्योंकि जब शिकायत मैं करता हूं तो बोलता हूं कि मैं राइट हूं और सामने वाला गलत है। इतनी इजी शिकायत हमको, देखो रोड कैसे खराब है, देखो ये कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर रही है, देखो कोरोना वैक्सीन के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, कोरोना वैक्सीन के लिए ऐसा इस तरह से करेंगे, इतने हॉस्पिटल रखेंगे तो अपना वैक्सीनेशन बराबर हो जाएगा, नहीं कोरोना वैक्सीन बाकी कंट्री को नहीं देना चाहिए इंडिया ने, अलग अलग ऐसी शिकायतें करते जाएंगे, उसमें से होना जाना कुछ नहीं है। ऑन द कोर्ट जब आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो जो काम हो रहा है, जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्यों काम कर रही है। आप देखो कि आपको आपके पत्नी से क्या शिकायत हो रही है, आपके बच्चों की से क्या शिकायत हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, क्यों शिकायत करते रहते हो, एक्शन क्यों नहीं लेते कुछ? नहीं स्टाफ काम पे नहीं आता, बहुत लेट आते, बहुत ठीक है ना, स्टाफ काम पे नहीं आ रहा, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो सब जगह आपको दिखेगा कि एक्शन मिसिंग है, और एक्शन मिसिंग है डेफिनेटली तो बैठना है और अपने बाफ जो है मुंह की वो खत्म करना है, बोलते जाने का है, एक्शन लेना ही नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं शिकायत क्यों करते बैठा हूं, क्योंकि शिकायत आप करेंगे तो उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है, तो नुकसान देखने के पहले देखो फायदा क्या है। फायदा यह होता है कि मुझे लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। फायदा यह होता है कि मैं उसका स्पष्टीकरण देता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं कि मैं कैसा सही हूं, जस्टिफाई करता हूं। शिकायत जब करता हूं तो मैं किसी के ऊपर हावी हो जाता हूं, डोमिनेट कर लेता हूं, मगर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके बारे में मुझे शिकायत है, जो व्यक्ति के बारे में मैं शिकायत करता हूं, वो व्यक्ति के साथ मेरा प्यार नहीं रहता, उस समय पूरा प्यार निकल जाता है, मेरी तबीयत खराब होती है बार 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 शिकायत करके, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या कंटिन्यू चालू है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी ताकत एनर्जी जोश जुनून उत्साह सब कम हो जाता है, बीमारियां बढ़ती है, मजा नहीं आता। तो ये सब करना है ऐसा कि भाई अपने को नहीं जोश चाहिए, जुनून चाहिए, उत्साह चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आपको शिकायत करनी बंद करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वो जब आप लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं मैं कुछ करूंगा, मैं कारणीभूत हूं, जो भी हो रहा है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं, मैंने वो करना है,
तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपकी शिकायत रहेंगी नहीं। तो बच्चों को ये सिखाओ कि भाई शिकायत मत करो, एक्शन लो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।